नीट और जेई मेन में अपियर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक खबर आई है, और खबर ये है कि अभी तक जो ये खबर आ रही थी कि कल यानी कि 14 अगस्त को उस पिटीशन पर सुनवाई होगी जिसमें जेई और नीट को पोस्टपोन या स्टे करने के लिए जो है पिटीशन फाइल की गई है। अभी वो पहले ये दिखा रहा था कि 14 तारीख को ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा और उस पर सुनवाई होगी, क्योंकि वो कंप्यूटर जनरेटेड डिटेल्स थी। और अब जो कंप्यूटर जनरेटेड डिटेल है वो ये बता रहा है कि 17 अगस्त को ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच के सामने आएगा। यानी कि जो जेई और नीट के जो सितंबर में टेस्ट होने हैं, सितंबर में जो एग्जाम होना है उससे संबंधित ये पिटीशन थी, ये अब जो है 14 की बजाय 17 को आएगी। तो जो लोग अभी वेट कर रहे हैं कि कल इस बारे में आइडिया लग जाएगा कि इस मामले में जेई एग्जाम होंगे नहीं होंगे, पोस्टपोन होंगे क्या होगा, या नीट के एग्जाम में क्या होगा, वो उनको अभी और 4 दिन वेट करना पड़ेगा। और 4 दिन के बाद ही पता चल पाएगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है। और पता क्या मतलब, जब भी कोई भी पिटीशन फाइल की जाती है तो सीधे सीधे उस पर स्टे या वो नहीं होता है, पहले दूसरी पार्टी को सुना भी जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो जनरल जो प्रैक्टिस है वो यही होती है कि जब मैटर हियरिंग पे आएगा तो उसमें जो एनटीए है या जो दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिसमें पार्टियां बनाई गई हैं उनको नोटिस जाएगा, और शॉर्ट जो नोटिस कहिए या छोटी डेट के बाद दूसरी पार्टी को ऐसे मैटर में जो जिसमें एग्जाम या टाइम बाउंड जो स्थिति हो तो उसमें दूसरे पार्टीज को उसमें बुलाया जाता है। तो फिलहाल आज की ये खबर है नीट और जेई के बारे में, क्योंकि अभी तक यही खबर आ रही थी कि 14 अगस्त यानी कल इस मामले की सुनवाई होगी, और अब जो इस मामले की सुनवाई है वो 17 अगस्त 2020 को होगी, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्णा मुरारी होंगे। तो ये है जेई मेन और नीट के एग्जाम संबंधी खास खबर।